हेलो क्लास बच्चों, अपना जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी में ग्लोब के बारे में, उसका मैं पूरा आपको अध्ययन करा चुकी हूँ। उसमें हमने पूरा जो ग्लोब के चित्र बना करके और उसमें अक्षांश देशांतर, ठीक है, अक्षांश के बारे में पूरी जानकारियाँ, कितनी अक्षांश रेखाएँ हैं, कितने अक्षांश वृत्त हैं, देशांतर रेखाएँ कितनी हैं, उनके बीच का अंतर कितना है, ठीक है, किस चीज़ से जलवायु का पता चलता है, किस चीज़ से समय का पता चलता है, तिथि रेखा क्या है, ये सब हमने अध्ययन किया। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कार्य देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। सब बच्चों को इसका आंसर पता है, उत्तर पता है कि पृथ्वी जो है पूरी गोल नहीं है। पृथ्वी जो है पूरी गोल नहीं, इसका आकार अपने एक सेब की तरह, एक जो एक नारंगी होती है संतरा होता है, उसकी तरह हम उसका शेप मानते हैं। कि जैसे आपने फल देखा होगा तो वो अंदर ही था थोड़ा सा, वो चपटा होता है, ठीक है, इन्होंने तो बाहर से तो गोल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही पृथ्वी गोल दिखती है मध्य में, पर जो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है ध्रुव वाला, यहाँ पर ये चपटे होते हैं। तो ये पृथ्वी का आकार है, जो हम ग्लोब में लेते हैं वही पृथ्वी का आकार है, कि पूर्ण रूप से गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर चपटी कहलाती है। और इसका आकार अपन सेब नारंगी के देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, ग्लोब क्या है? ग्लोब सब बच्चों ने देखा होगा, ग्लोब क्या है? ग्लोब बच्चों पृथ्वी के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया एक इसका लघु रूप है, ठीक है, इसकी प्रतिकृति है, इसकी जैसे इसको बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें कि पृथ्वी में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई देश है, महाद्वीप है, द्वीप है, महासागर है, कोई देश का अंदरूनी हिस्सा है, जो भी है, सारा पता करने के लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है, और वास्तविक रूप से जैसे पृथ्वी है उस तरह से इसको बनाया गया है। और इसमें पृथ्वी पर जो चीज़ें मौजूद हैं, महाद्वीप, महासागर, द्वीप, देश, इन सब की जानकारी, उनकी देशों की स्थिति का पता यहाँ पर इस आकार में दिखाया जाता है। तीसरा, कर्क रेखा। आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि ये जो पृथ्वी का ये जो अपन ग्लोब वाला ऐसा दिखते हैं, ठीक है, इसमें ये जो है ये सब लाइनें बनी हुई हैं, ये अक्षांश रेखा कहलाती हैं, जिसमें पहले जो अपन जीरो को मानते हैं, पूरे जीरो वाले जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके ऊपर नीचे जो है यहाँ पर कर्क और मकर, तो इन्होंने कर्क का पूछा है, कर्क का अक्षांश मान क्या है? कर्क का अक्षांश मान है 23.5 उत्तर। अगर आपसे मकर का पूछा जाता बच्चों, तब भी आप डिग्री यही होती, बस इसका भी क्या लगा देते हैं हम दक्षिण। तो हम जब विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं तो सब चीज़ों में उत्तर लगता है, जब विषुवत रेखा से नीचे आते हैं तो उसमें दक्षिण होता है। तो कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या लिखेंगे? 23.5 उत्तरी अक्षांश। फिर कह रहे हैं पृथ्वी के तापीय कटिबंध कौन से हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो अक्षांश हैं इनसे हम किसी भी क्षेत्र की वहाँ की जलवायु का पता कर सकते हैं, वहाँ का जो तापमान है उसका पता कर सकते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर जो तापीय कटिबंध हैं उनके अपन नाम देख लेते हैं। तीन है मुख्यतः उष्ण, तेज बीच का हिस्सा है बच्चों, यह उष्ण कटिबंध, ठीक है, जो कर्क और मकर रेखा के बीच में विषुवत रेखा पर स्थित है, ठीक है। कर्क और मकर के ऊपर यहाँ पर आ जाता है शीतोष्ण, यहाँ पर भी शीतोष्ण, और फिर लास्ट में यहाँ पर आ जाता है शीत। तो आंसर आप देखेंगे तीन तापीय कटिबंध है, उष्ण, शीतोष और शीत। अगला, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है? तो हम पहले अक्षांश देखते हैं बच्चे, के सारे अक्षांश है जो आगे रेखाएं खींची जाती हैं पृथ्वी पर, काल्पनिक रूप से खींची गई है, जिसका हम ग्लोब में लिख सकते हैं इस तरह से हम देखें। तो ये पृथ्वी पर जो आर्य रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, ठीक है, ये आर्य रेखाएं हैं जो ध्रुवों पर यहाँ पर पहुँचती हैं,
ठीक है, सबसे बड़ी जो है यहाँ विषुवत रेखा पर होती है, इनका पृथ्वी बनता है। तो ये जो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है और ये विषुवत रेखा के समानांतर है, इसके बराबर द्रव्य जो है वो है और ये कहाँ तक गई है, ध्रुव तक खींची गई है और इनकी लंबाई अलग अलग, सबसे जैसे लंबी है जिसका ये जो है वो छोटी होती जाती है, तो इस तरह से ये लाइनें खींची गई। फिर यहाँ पर जो ऊपर से लेकर के नीचे तक खींची गई है इस तरह से, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण खींची गई है, ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। इनसे हम किसी भी क्षेत्र की स्थिति का समय का पता लगा सकते हैं। ये अपना अभ्यास। आगे ऊष्मा की मात्रा सबसे ज्यादा जो अभी ग्रहण हो रहा था, ये कह रहे हैं ऊष्मा की मात्रा सबसे ज्यादा इस कटिबंध पर क्यों होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म ये क्यों होता है, इसका कारण ये है कि कर्क और मकर रेखा, ये जो कर्क और मकर रेखा के बीच का हिस्सा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती है, ठीक है, ये बिल्कुल किरणें लंबवत होती हैं, इसलिए ये क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है, क्योंकि बिल्कुल पृथ्वी के सामने सूर्य जो है वहां पर इसकी किरणें सीधी पड़ती है। फिर कह रहे हैं कि ये जो लाइन हम देखते हैं जो प्रमुख देशांतर है 0 डिग्री जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है आपस में, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भारत भारत यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से कहते कि जब यहाँ पर दिन के 12 बजते हैं, पहली रेखा पर देशांतर जो पहली रेखा है इसमें कह रहे हैं जब दिन के 12 बजते तो यहाँ पर 5:30 क्यों बजते हैं, इसका कारण ये है कि इनके बीच में दोनों जो रेखाएं हैं आगे जितनी भी रेखाएं हैं सबके बीच में जो है 15-15 डिग्री अपन मानते चलते हैं, 15, 30, 45 इस तरह से, और सबके बीच में 4-4 मिनट का अंतर पाया जाता है, मतलब एक अक्षांश जैसे अर्थात एक देशांतर को पार करने में, मतलब 15 देशांतर को पार करने में पृथ्वी को जो है 4 मिनट का समय लगता है। इस आधार पर हमारी जो प्रमुख देशांतर रेखा है वह है 85.5, इसका जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 5.5 घंटे का समय लगता है, मतलब यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक हमें, यही कारण है कि जब यहाँ पे 12 बजते हैं तो हमारा 5:30, क्योंकि हमारी घड़ी ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 मिनट का जो अंतर पाया जाता है उसके आधार पे जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका समय निकलता है 5:30, तो 5.5 घंटे जो है हम आगे हैं, ठीक है। फिर आता है बच्चों सही विकल्प वाला क्वेश्चन कि प्रमुख यामांतर का मान क्या है, इसका प्रमुख यामांतर का मान है 0 डिग्री। प्रमुख शीत कटिबंध कहाँ पर स्थित है, तभी मैंने बताया था शीत कटिबंध कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये क्या है ध्रुव, तो शीत कटिबंध कहाँ स्थित है, ध्रुव पर स्थित है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, ये जो देशांतर है 180 यहाँ पर है, 180 यहाँ पर, 12 कितने हो गए 307, तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी है 307। फिर कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, ये जो ऐसा है वो है उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव स्थित है। फिर ग्रिड क्या है बच्चे, ये जो ग्रिड है इस पर से जो बना है, ये पूरा जो हम जाल देख रहे हैं, ये ग्रिड क्या है, अक्षांश और देशांतरों का जाल है, ठीक है, ये ग्रिड है, ये अपना हो गया सही विकल्प में, मैंने केवल आपको आंसर आंसर बताए हैं। अब आ रहे हैं खाली स्थान पर, खाली स्थान में क्या है कि ये कह रहे हैं मकर का मान कौन सा है, तो मकर ये जो है इसका है 23.5 दक्षिण, कितना मान है 23। भारत का मानक समय क्या बताया था,
देशांतर में कौन से माना था 82.5 पूर्व, तो किस तरफ है, अर्थ किस तरफ है ना, ये पूर्व में है। फिर जीरो नामांतर क्या है, प्रधान मध्यान रेखा, मैं खाली सा आपको ज्यादा बता रही हूँ, प्रधान मध्यान रेखा है। फिर देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है, ये जो दूरी होता है जैसे यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा है दूरी, ये दूरी जो है यहाँ कम होती जाती है, सब यहाँ पर आकर के मिल जाती है, जितनी भी रेखा है यहाँ कमी हो रही है, तो ध्रुवों पर इनकी दूरी जो होती है वो कम हो जाती है या घटती जाती है। फिर आइए कहते हैं दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से खाली स्थान का आंसर हो गया, पहले में 23.5 दक्षिण, दूसरे में 82.5 पूर्व, तीसरे में प्रधान जो मध्यान रेखा है, और चौथे में आ जाएगा ध्रुव, ध्रुवों के अंदर जल्दी दूरी घटती जाती है, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरह से अपना ये पूरा, तो पूरा वीडियो देखिए और अपना काम कॉपी में कीजिए।